भैया बड़ा पीछे किसकी? अरे ले रहा ना ले रहा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से मरकजी दफ्तर किशनबाग नौ नंबर पर हमारे मुल्क भारत की 75वीं यूम आज़ादी की तकरीब बड़ी तंज को एहतिशाम के साथ मनाई गई और इस तकरीब की अहम खसूसियत ये है कि आज मैं समझता हूँ कि भारत की तारीख में ये पहला मौका है जो हमारे तेलंगाना स्टेट के आइम्मा व मौज़िन हजरात ने मिलकर इस तकरीब को जो ना मुनक़िद किया है। ये ऐसा बहुत कम होता है मदारिस में जो ना ऐसे तकरीबात होते हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि हमारे तेलंगाना के आइम्मा मौज़िन जमा होकर इस तकरीब का अहतमाम किए और इसको शायान शान इस तकरीब को मुनक़िद किया और इसमें हमारे शहर के कई मौजूद शख्सियतें भी इसमें शरीक रहे, जिसमें काबिल ज़िक्र जनाब मोहम्मद मसीहुल्ला खान साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड के हाथों से रस्म परचम कुशाई अंजाम पाई और दीगर जमातों के नुमाइंदे भी यहां पर मौजूद है और बिलखसूस कुल हिंद जमीतुल अंसार की बिरादरी के लोग भी मौजूद है और TDP के कायदीन भी है, दीगर जमातों के TRS के हैं और भी जमातों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारे लिए ये बड़ी मसर्रत का दिन है कि हम 75वीं यूम आज़ादी मना रहे हैं और इस आज़ादी के साथ ही हमारे लिए पैगाम है कि हमारे भारत के